गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। गाइस फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड गाइस आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 18 मार्च 2021। सो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज का वर्ड ऑफ विजडम देखते हैं। सो डोंट क्विट येट, द वर्स्ट मोमेंट्स आर यूजुअली फॉलोड बाय द मोस्ट ब्यूटिफुल सिल्वर लाइनिंग्स। यानी कि उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बुरा समय होता है उसके बाद बहुत ही अच्छा समय आता है। तो बस आपको उस बुरे समय में अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपना जो सर है उसको ऊंचा रखना है, और एकदम बस उम्मीद बनाए रखनी है कि सब अच्छा होगा। और गाइस बिल्कुल अच्छा होगा। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप सफलता अगर नहीं मिलती है तो आपका ख़राब समय होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, बस आपको जो है स्ट्रांग रहना है, मेहनत करते जाना है, और अपना जो उम्मीद है उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आज हम फटाफट से यहाँ पर क्विकली रिविजन करेंगे। ठीक है, क्विक जो है हम यहाँ पर जो प्रीवियस डे की न्यूज़ है उसका रिविजन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिकम इंडियाज डैश लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का डैश सबसे बड़ा यहाँ पर आपूर्तिकर्ता बन गया है, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ। जल्दी से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। US has become India's dash largest oil supplier. करिश्मा, राहुल, जल्दी से कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेकेंड। सो ये जो है यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट बन चुका है। क्लियर सभी को? यस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दैट इज दूसरा। तो पहले तो सऊदी अरेबिया था यहाँ पे दूसरे स्थान पर, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो पहुँच गया चौथे स्थान पर, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये पहुँच गया है सेकेंड स्थान पर। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये कब मनाया जाता है? गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मार्च, 18 अप्रैल, 15 मई और 14 मार्च। जल्दी से बताइए, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? ये 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 जो यहाँ पर पेश किया गया था स्मृति ईरानी के द्वारा, तो उसके संबंध में कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको बतानी है। द बिल विल अमेंड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इट विल ऑथराइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इशू अडॉप्शन ऑर्डर्स। इट डिफाइंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? राहुल, इसका करेक्ट आंसर 14 मार्च होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, एडवाइजरी कमिटी फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ रिवर सरस्वती दिस हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये ओरिजिनली कब सेटअप की गई थी? सो सरस्वती रिवर के लिए यहाँ पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी को बनाया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसने फिर से इस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, पुनर्गठित किया है। ये पहले कब सेटअप की गई थी? तो ये जो है पहले सेटअप की गई थी आपकी 2017 में। ठीक है, 2017 में गठित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अंतर संसदीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी भारत में इन्होंने विजिट किया, और जो अपर हाउस है उसकी प्रोसीडिंग्स में इन्होंने मतलब उसको देखा कि कैसे यहाँ पर प्रोसीडिंग्स होती है। तो मार्टिन चुंगोंग, रेंडल क्रेमर, फ्रेडरिक पैसी एंड दुआर्ते पचेको। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज दुआर्ते पचेको। ये करंट प्रेसिडेंट है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन काफ़ी पुरानी यहाँ पर बॉडी है। ये 1885 में जो है इस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, 1885, 1889 कुछ ऐसे ही मतलब इस्टैब्लिश हुई थी, एग्जैक्ट ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा है।
ठीक है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी पार्लियामेंट है पूरे वर्ल्ड में उनका ये एक यूनियन है। इसमें 170 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो मेंबर्स हैं इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में। प्रेसिडेंट कौन है? द्वारते पचेको है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 सीक्स टू इंक्रीज द FDI लिमिट इन डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम डैश टू 74%। तो अभी जो यहाँ पर बीमा संशोधन विधेयक पास किया गया था, इससे घरेलू बीमा कंपनियों में FDI की सीमा को डैश से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। 13, 26, 49 और 51। सो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। FDI लिमिट को कितने से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है इंश्योरेंस में? सो इसको 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74 कर दिया गया है। यस विक्रांत, करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। यस करिश्मा, राइट, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर 2021 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। 2021 टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर कौन है? भवानी देवी, अर्जुन इरिगेसी, निहार अमीन एंड नितिन गूले। जल्दी से बताइए। सो यहाँ पर कौन बन गई है पहली इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई 2021 टोक्यो ओलंपिक्स? लेकिन उन्होंने रायो ओलंपिक्स के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, लेकिन 2021 ओलंपिक्स के लिए कर लिया है। दैट इज भवानी देवी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यस विक्रांत, तनिषा, राइट, करिश्मा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। रिसेंटली इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ लॉन्च अ साउंडिंग रॉकेट। इस साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या है जिससे जो यहाँ पर व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा प्लाज्मा डायनामिक्स में और हवाओं में? सो RH-560, RH-80, RH-14 एंड RH-500। तो RH इज फॉर रोहिणी, रोहिणी करके यहाँ पर ये साउंडिंग रॉकेट को शुरू किया गया था। तो ये कौन सा यहाँ पर वर्जन है? ये है RH-560 जिसको लॉन्च किया गया है, राइट? यस, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यस विक्रांत, तनिषा, राइट, ठीक है, RH-560 है। इससे क्या करेंगे? आयनोस्फीयर की जो लेयर है उसकी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल कमिटी वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग इंडियाज रैंक इन डैश। डैश में भारत की रैंक में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल समिति की स्थापना की गई थी। सो किस लिए की गई थी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। गुड मॉर्निंग शोभा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंक को बेहतर करने के लिए यहाँ पर इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल को अपॉइंट किया गया। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक बहुत ही कम थी, 142 रैंक थी यहाँ पे भारत की, ठीक है, और जो है 180 कंट्रीज़ को ये टोटल जो है मॉनिटर करता है इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, नॉर्वे ने इसमें टॉप किया था, ठीक है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो है ये इसको जारी करता है। तो प्रेस की कितनी फ्रीडम है इसको किसी भी कंट्री में, उसको ये आंकलन करता है उसका। और भारत में जो है ये जो कमेटी बनाई गई, इसने रिकमेंडेशन दिया कि भाई जो पहले डिफेमेशन है उसको आप डिक्रिमिनलाइज करिए, और दूसरा अगर किसी भी मीडिया हाउस पर कोई भी यहाँ पर अगर केस फाइल किया जाता है, FIR दर्ज की जाती है, तो उससे पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है यहाँ पर आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग राहुल सिंह, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली गुरु चामनचेरी कुनी रमन नायरपास रवि ही वॉज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस? गुरु चामनचेरी कुनी रमन का हाल ही में निधन हो गया। ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? भरतनाट्यम, कथक, कथकली एंड कुचिपुड़ी। जल्दी से बताइए, राहुल, करिश्मा, तनिषा, विक्रांत, सभी लोग कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कथकली से जुड़े हुए थे। सो कथकली आपका कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरला का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है ये भी कहाँ का है? केरला का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, टोटल कितने क्लासिकल डांसेस हैं? टोटल 8 हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, सत्रिया, उड़ीसी एंड मणिपुरी,
राइट, यस विक्रांत करेक्ट आंसर है, करिश्मा यस, राहुल तनिषा राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज वन द 63rd ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम ऑफ द ईयर। 63वें ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? टेलर स्विफ्ट, बिली एलिश, जस्टिन बेबर एंड एडेले। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। अभी ग्रैमी अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? सो ये किसको मिला है गाइज, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, टेलर स्विफ्ट को ये दिया गया है। बिली एलिश को भी मिला है लेकिन उनको दूसरी कैटेगरी में मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर में टेलर स्विफ्ट को मिला है। राइट, यस विक्रांत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मार्टिन गुप्तिल एंड क्रिश गेल। जल्दी से बताइए कौन बन गया यहाँ पे 3000 रन स्कोर करने वाला T20 इंटरनेशनल में। तो ये कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं नंबर वन पे, नंबर टू पे यहाँ पे मार्टिन गुप्तिल हैं और नंबर तीन पर यहाँ पर रोहित शर्मा है। राइट, यस विक्रांत वेरी गुड करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमने प्रीवियस डे के यहाँ पर क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब हम आज की न्यूज़ देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, तो लास्ट तक सेशन में गाइज बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, सो फर्स्ट है, यहाँ पर पीएम ने एक वर्चुअल समिट में फिनलैंड की जो पीएम है सना मारिन, इनके साथ इन्होंने एक वार्ता की, एक समिट को कंडक्ट किया। और ये जो समिट है 16 मार्च को हुआ था, दोनों साइड के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो बायलेटरल रिलेशनशिप है, जो इंडिया और फिनलैंड के बीच में जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, उनको कैसे वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कैसे उनको और बेहतर किया जा सकता है, उस पर चर्चा की। और जो ग्लोबल और रीजनल जो इश्यूज हैं, जो वैश्विक स्तर पर मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा की गई। तो अगर हम इंडिया फिनलैंड की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ बहुत सारे क्षेत्रों में आपस में कॉपरेट करती हैं, जैसे कि आपका व्यापार और निवेश है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, शिक्षा है, नवाचार है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, रिसर्च की फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है। इन सभी क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड के बीच में काफ़ी कॉपरेशन है, काफ़ी यहाँ पर सहयोग करते हैं। इसके अलावा 100 से भी ज़्यादा जो फिनलैंड की कंपनी है, जो फिनिश कंपनी है, ये भारत में चल रही हैं, भारत में ऑपरेट कर रही हैं। बोथ कंट्रीज हैव साइंड एंड MOU फॉर कॉपरेशन इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हाल ही में आपको याद होगा कि जो कैबिनेट है, इसने दोनों देशों के बीच में जो भी एक MOU था पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उस पर जो है मोहर लगाई थी, उन्होंने उसको अप्रूवल दिया था। क्लियर सभी को? चलिए, फिनलैंड की बात करें तो ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है। करेंसी इसकी क्या है? यूरो है। और ये अपना बॉर्डर स्वीडन, रशिया, नॉर्वे, गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड के साथ शेयर करता है। यूरोप में देखें तो 8th लार्जेस्ट कंट्री है। और सना मारिन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा, सना मारिन फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। सो यहाँ पे आप देखिए फिनलैंड की आप लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, देन यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इसी तरह से नॉर्वे और स्वीडन के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सारी कंट्रीज़ और जो गल्फ्स हैं उनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कैपिटल इसकी हेलसिंकी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर डैश अटेंडेड द वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड ऑन 16 मार्च 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री डैश ने 16 मार्च 2021 को भारत और फिनलैंड के बीच वर्चुअल शिखर बैठक में शामिल हुए हैं। जीन कास्टिक, सना मैरिन, बोरिस जॉनसन एंड गुसिपे कॉन्टे। जल्दी से बताइए। सो यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया यहाँ पे विक्रांत ने, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सना मैरिन। जीन कास्टिक्स कौन है? ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा बोरिस जॉनसन कौन है? ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। और गुसिपे कॉन्टे जो है फॉर्मर इटली के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इटली के पीएम नए दूसरे बन गए हैं, ये फॉर्मर इटली के पीएम हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यस करिश्मा। ओके करिश्मा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राहुल, दोनों राहुल का आंसर करेक्ट है। यस तनिषा, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, ICC ने गाइज UAE के क्रिकेटर्स मोहम्मद नबीद और शेमान अनवर को बैन कर दिया है 8 साल के लिए, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग के चार्जेस में जो है प्रूफ हो गया है, तो इनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो मोहम्मद नबीद और जो शेमान अनवर बट है, इन्होंने
T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो हुआ था 2019 में, उसके उसमें उन्होंने मैच फिक्सिंग में जो है यहाँ पर कोशिश की थी, तो दोनों यहाँ पर गिल्टी फाउंड हुए हैं। तो ICC कोड आर्टिकल 2.1.1 के तहत यहाँ पर दोनों क्रिकेटर्स को गिल्टी फाउंड किया गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर कोड होता है एंटी करप्शन कोड UAE क्रिकेट बोर्ड का, तो उसको ब्रीच करते हुए इनको यहाँ पर 8 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हम बात करें ICC की, तो ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। 1909 में स्टैब्लिश हुई थी, और तब ये जब स्टैब्लिश की गई थी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर स्टैब्लिश की गई थी, तब इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको स्थापित किया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? दुबई UAE में है। क्लियर सभी को? थम्स अप करिए, सबको समझ में आया। सो क्वेश्चन का आंसर बताइए, रिसेंटली ICC बैन्स UAE क्रिकेटर फॉर 8 ईयर्स ऑन मैच फिक्सिंग चार्जेस। हाल ही में ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोप में UAE के क्रिकेटर को 8 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। कौन है ये? मोहम्मद नवीद, शैमान अनवर भट्ट, बोथ ANB एंड अहमद रजा। जल्दी से बताइए, ICC ने यहाँ पर कौन से क्रिकेटर को बैन किया है UAE के? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दैट इज बोथ ANB, ठीक है। अब्दुल कलाम यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों को ही यहाँ पर बैन किया गया है। यस विक्रांत करिश्मा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल वैक्सीन डे हर साल कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जानते हैं। ये पहली बार 1995 में यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। 1995 में इंडिया ने पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था, और 2014 में WHO ने भारत को पोलियो फ्री मुक्त घोषित कर दिया है। तो याद रखिएगा, हमारा जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ये 1995 में स्टार्ट हुआ था, 2014 में भारत को WHO ने पोलियो फ्री जो है मुक्त कर दिया था। अभी जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होता है, इसमें वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिए, अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता होता है, इसमें वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, वैक्सीन हमें करीब लेकर आती हैं। ये इस वर्ष की थीम है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की, ठीक है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की नहीं है ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की है, ठीक है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की ये थीम है, राइट। चलिए ओके, लास्ट मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, ओके, उसका रिविजन जो हुआ था नवदीप, बिल्कुल यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल बिकम्स इम्यूनाइज अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। तो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस, टीकाकरण बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे बीमारी पैदा करने वाले जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनके प्रति हमारी जो यहाँ पर क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, उसके प्रतिरक्षा को, उस प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण किया जाता है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन 1978। तो 1978 में जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, बाद में 1985 में इसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया, और अभी यहाँ पर जो है इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के नाम से इसको जानते हैं। तो ये 12 यहाँ पर जो डिजीजेज हैं उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन है? यस, गुड मॉर्निंग अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पर नेशनली अगेंस्ट 9 diseases एंड सब नेशनली अगेंस्ट 3 diseases। तो देखिए, टीका किस किस के लिए प्रदान किया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, और जो सीवियर फॉर्म होता है चाइल्डहुड TB का, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, निमोनिया जो कि यहाँ पे हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है, तो इन सब के लिए यहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है। और अगर हम और सब नेशनल लेवल पे जो 3 बीमारियां हैं उपराष्ट्रीय रूप से जिनमें प्रदान किया जाता है, ये आपकी रोटा वायरस डायरिया है, निमोकोकल निमोनिया है, जन जैपनीज एंसेफलाइटिस है। तो अभी ये कुछ ही जगह में इनको प्रोवाइड किया जा रहा है वैक्सीन्स को, और धीरे धीरे इनको पूरे सभी जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जैपनीज एंसेफलाइटिस कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादा फैलता है, वहाँ पर उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, राइट। चलिए, सो क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 के लिए विषय क्या है? वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क एंड प्रोटेक्टेड टुगेदर, वैक्सीन्स वर्क। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 की थीम क्या थी, क्या होगी अभी? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। यस विक्रांत, करिश्मा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। बाकी सभी लोग गाइस कमेंट करिए। नेक्स्ट देखिए, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश जल निगम और GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, लाहौती बिल्डकॉन लिमिटेड, तो इन तीन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बॉडीज कह सकते हैं, इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे तीन पार्टी इन्वॉल्व है। तो तीन पार्टी कौन कौन हुई? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश जल निगम और GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और लाहौती बिल्डकॉन लिमिटेड, इन्होंने ट्राईपार्टाइट कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए किया है? एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, इसलिए ये जो है कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है कि 25 मिलियन लीटर पर डे जो है प्रदान करने वाला यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो देखिए जो राम गंगा रिवर है उसमें क्या है, सीवेज पोल्यूशन है, उसका ध्यान रखने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जाना है। अभी रामगंगा नदी की हम बात करें तो ये गंगा नदी के ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? इसका उत्तराखंड से होता है और फिर ये बिजनौर में एंटर करती है, ठीक है। तो रामगंगा कहाँ पर है, बेसिकली कहाँ एंटर करती है? बिजनौर यूपी में एंटर करती है, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होके और फिर मुरादाबाद में ये एंटर करती है, ठीक है, क्लियर सभी को। तो मुरादाबाद में यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसको लगाया जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो गंगा की आपको पता है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, और गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश जल निगम एंड अदर्स साइन ट्राइपार्टाइट कंसेशन एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। सो यहाँ पर कौन से यूपी के ज़िले में STP के विकास के लिए त्रिपक्षीय जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सो मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ एंड गाज़ियाबाद। यस बिल्कुल विक्रांत, गंगोत्री ग्लेशियर, वेरी गुड, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो है आपका ये गंगा का उद्यम होता है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस ऑप्शन ए होगा, दैट इज मुरादाबाद। यस करिश्मा, नवदीप, अभिषेक, राहुल, तनेशा, सभी का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, एक गाइस बिल है जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये बिल कौन सा बिल है? ये डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए बिल है जिसकी इनिशियल कैपिटल होगी 20,000 करोड़, यानी कि 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर एक डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा, एक यहाँ पर विकास वित्त संस्थान स्टैब्लिश किया जाएगा और अभी करंट बजट सेशन में इस बिल को लेकर आया जाएगा। सो इससे क्या होगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम अवसंरचना का विकास करना चाहते हैं, जैसे रोड बनाते हैं या फिर कहीं पुल बन रहे हैं, कहीं पर डैम्स बन रहे हैं, तो जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं उनके लिए आपको पैसा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो उनके लिए चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? वो डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन उसको प्रदान करेगा। सो DFI क्या होते हैं? ये कैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, उनके डेवलपमेंट में ये पैसा प्रदान करते हैं। सो इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत का पहला यहाँ पर डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन था। तो याद रखिएगा पहला कौन सा था, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पहला DFI था, फर्स्ट DFI था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, क्लियर सभी को? यस चलिए, सो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताइए। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ बिल टू सेटअप डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन विद इनिशियल कैपिटल एडिशन ऑफ ₹10,000 करोड़। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान स्थापित करने के लिए बिल को मंजूरी दी गई। 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000, जल्दी से बताइए।
यस अभिषेक राइट करेक्ट आंसर है विक्रांत अब्दुल राहुल शोभा वेरी गुड सभी का करेक्ट आंसर है दैट इज 20,000 वेरी गुड गाइज इसी तरह से ध्यान से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन का आंसर देना राइट नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है गाइज इंपॉर्टेंट है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया है ये जो बिल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल ये पिछले साल जो है लोकसभा ने पास कर दिया था और अब यहाँ पर इसको राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिया गया है इस बिल में क्या है इसमें जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इसकी जो लिमिट है इसको 24 हफ्ते बढ़ा दिया गया है पहले तो क्या होता था कि अगर किसी को अबॉर्शन कराना है ठीक है किसी को यहाँ पे गर्भपात कराना है तो उनको 12 हफ्तों के भीतर भीतर यहाँ पर गर्भपात कराना होता था गर्भाधान के बाद और इसके लिए एक डॉक्टर की सलाह लेनी होती थी ठीक है एक डॉक्टर का यहाँ पे बस राय की आवश्यकता होती थी इसके बाद 12 से यहाँ पर 20 हफ्ते के बीच में अगर अबॉर्शन कराना है तो कम से कम दो डॉक्टर का यहाँ पर ओपिनियन चाहिए होता था तभी आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते थे ठीक है लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है इस लिमिट को अब बढ़ा दिया है 24 हफ्ते तक जो है यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन जो है किया जा सकता है प्रेगनेंसी का अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है चेंजेस क्या किए हैं कि अब 20 हफ्तों तक अगर किसी को अबॉर्शन कराना है तो वो सिर्फ एक डॉक्टर की सलाह पर ये कर सकते हैं और अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच में यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी कोई पर्टिकुलर केस में अगर यहाँ पर कराया जाए तो यहाँ पर दो डॉक्टर की सलाह लेनी होगी ये सब क्यों किया गया क्योंकि देखिए यहाँ पर कई बारी क्या होता है कि जैसे किसी की जान को खतरा है ठीक है तो उस केस में जैसे कि भाई कहते हैं ना कि या तो बच्चा या फिर माँ कोई एक ही बच सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से आ जाती हैं तो वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन की आवश्यकता हो जाती है लेटर स्टेज में भी है ना तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ पर जो रेप विक्टिम होते हैं उनका भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए केस टू केस बेसिस पर ठीक है तो ये चीज़ जो है यहाँ पर लाई गई है याद रखिएगा तो अब इसको 24 हफ्ते तक यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है और 24 हफ्ते के बाद भी अगर कोई बहुत ही अबनॉर्मल केस है 24 हफ्ते के बाद भी अगर अबॉर्शन कराया जाए तो उसके लिए क्या चाहिए होगा स्टेट लेवल के मेडिकल बोर्ड की राय यहाँ पर आवश्यक है तो 20 हफ्ते के लिए एक डॉक्टर 20 से 24 हफ्ते के लिए दो डॉक्टर और 24 हफ्ते के बाद के लिए स्टेट लेवल का जो मेडिकल बोर्ड है उसका ओपिनियन ज़रूरी है क्लियर सभी को यस सो क्वेश्चन का आंसर बताइए एज पर रिसेंटली अप्रूव्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 ओपिनियन ऑफ स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर अबॉर्शन आफ्टर डैश हाल ही में स्वीकृत चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार डैश के बाद गर्भपात के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है 21 वीक्स 22 वीक्स 23 वीक्स एंड 24 वीक्स जल्दी से कमेंट करके बताइए यस अभिषेक करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज 24 वीक्स राइट चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 एक स्विस कंपनी है उसने इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 और इसमें इन्होंने कहा कि दिल्ली जो है पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है ठीक है यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी शहर जो है वो दिल्ली है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की कैपिटल आती है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की हम बात करें यहाँ पर एवरेज जो एनुअल PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर होता है ना आपका PM 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन का ये आपका पार्टिकल है और इसका कंसंट्रेशन पाया गया 84.1 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ठीक है इतना ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन इसका पाया गया है एटमॉस्फेयर में इन 2020 दिल्लीज एयर क्वालिटी इम्प्रूव फ्रॉम द लास्ट ईयर तो पिछले साल से अगर हम देखें तो 2020 में दिल्ली की एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई उसका एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा था काफ़ी समय तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो था उसकी वजह से जो है यहाँ पर PM 2.5 कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहा लेकिन फिर भी अगर हम नंबर ऑफ सिटी की में बात करें तो 10th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है ये वर्ल्ड की और मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है देखिए दो चीज़ है यहाँ पर अगर हम बात करें कैपिटल के टर्म्स में ठीक है किसी कंट्री की कैपिटल को हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पॉल्यूटेड कैपिटल है वो भारत की कैपिटल है दिल्ली लेकिन अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड की सिटीज़ को अगर हम आकलन करें तो सिटीज़ के नंबर में 10वां स्थान है यहाँ पर दिल्ली का डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी को
ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पर टोटल जो टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, 22 सिटीज़ केवल भारत की हैं, तो देख सकते हैं भारत कितना प्रदूषित है। 22 शहर यहाँ पर भारत के शीर्ष 30 पॉल्यूटेड सिटीज़ में रैंक करते हैं, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है ना। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज PM 2.5 एमिशन। तो PM 2.5 का जो भी उत्सर्जन है सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है, परिवहन क्षेत्र की वजह से होता है। और लॉकडाउन की वजह से जो एक अच्छी चीज़ हुई थी वो यही हुई थी कि भाई जो हमारा पर्यावरण है उसमें थोड़ा सी राहत मिली थी और जो पोल्यूशन लेवल था ये कम हो गया था। गुड मॉर्निंग श्वेता, वेरी गुड मॉर्निंग। इन 2020 द चाइनीज सिटी हुतान वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। 2020 में देखे जाए तो चाइना का एक शहर है हुतान, ये सबसे पॉल्यूटेड सिटी थी। सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 इसे स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी IQAR के द्वारा रिलीज किया गया है। और यहाँ पर PM 2.5 के लेवल के पे बेसिस पे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। इसमें आपके बाकी पॉल्यूटेंट्स को मेजर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 2.5 का जो स्तर है उसके बेसिस पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपकी क्या कहते हैं जो सिटी है वो कितनी पॉल्यूटेड है। तो टोटल यहाँ पर 106 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है बेस्ड ऑन PM 2.5 डेटा, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो डेटा है। ओके चलिए, सो रैंकिंग अगर हम देखें सिटी वाइज तो ये सिटीज़ को रैंक करता है मेनली। तो हुतान जो चाइना है ये देखिए नंबर वन पर है। गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद का देखिए, गाज़ियाबाद का भी बुरा हाल हो चुका है। गाज़ियाबाद बुलंदशहर ये सेकेंड और थर्ड रैंक पर हैं गाइज, देखिए ठीक है। तो पॉल्यूटेड कैपिटल की बात करें तो पॉल्यूटेड कैपिटल में यहाँ पर दिल्ली नंबर वन पर है। सिटीज़ में अगर हम देखें तो चाइना की जो सिटी है हुतान ये नंबर वन पर है, दूसरे नंबर पर गाज़ियाबाद है, तीसरे नंबर पर बुलंदशहर है, जैन चौथे पे बिरसा जालपुर है और फिर पांचवें नंबर पर भिवाड़ी है यहाँ पर, ठीक है क्लियर सभी को। तो रैंकिंग इस तरह से है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पीएम अभिषेक होता है पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो आजकल मास्क आ रहे हैं, जो बेसिकली पोल्यूशन वाले जो मास्क आते हैं उन पर लिखा होता है ना कि PM 10 PM 2.5 से भी लड़ जाएगा। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, बेसिकली आपके वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये जो बहुत ही कम साइज़ के होते हैं। इनका जो साइज़ होता है ना ये माइक्रोन्स में होता है, ठीक है, साइज़ इनका माइक्रोन्स में होता है, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इसीलिए इनका नाम पार्टिकुलेट मैटर होता है। और ये जो है हमारी जो हवा है, जो पर्यावरण है, उसमें जो है ये वहीं पर बसे रहते हैं, ज़्यादातर वहीं पर सस्पेंडेड पार्टिकल ही रहते हैं। तो 2.5 का मतलब है, PM 2.5 का यहाँ पर मतलब है कि 2.5 माइक्रॉन्स साइज के ये पार्टिकल हैं, ठीक है। अगर PM 10 लिखा है तो इसका मतलब इनका जो साइज है पार्टिकुलेट मैटर का ये 10 माइक्रॉन्स है। क्लियर है सभी को? ओके ओके अभिषेक, क्लियर है, आई होप पार्टिकुलेट मैटर समझ में आया होगा। हाँ राहुल, बिल्कुल गाज़ियाबाद में इंडस्ट्रियल रीजन है और देखिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर में जो कंट्रीब्यूशन करता है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एक तो कंस्ट्रक्शन वर्क आपका, दूसरा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन का आंसर बताइए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 डैश इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, ढाका सॉरी गाज़ियाबाद, ढाका, दिल्ली एंड बुलंदशहर। जल्दी से बताइए मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज दिल्ली, ठीक है दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। यस अभिषेक, विक्रांत, करिश्मा, राइट, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें, कैबिनेट ने गाइज एक हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और इसको बंद करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो यहाँ पर आपकी कंपनी है, जो आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको क्यों बंद किया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये जो है एक यहाँ पर लॉस बियरिंग कंपनी है, ये काफ़ी घाटे में जा रही है, 2015-16 से बेचारी ये घाटे में जा रही है, तो इसको ज़्यादा चला नहीं पाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर इसको बंद करने के लिए कहा है। और जितने भी यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा कि भाई आप जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। सो जैसा कि हमने बजट में देखा था 2021-22 का बजट जो पेश किया गया था उसमें सरकार ने कहा था कि वो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगा
ताकि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके। तो उन्होंने कहा था कुछ को यहाँ पर जो है बंद कर दिया जाएगा, कुछ को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, कुछ में से जो हिस्सेदारी है वो सरकार अपनी बेच देगा। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा, रणनीतिक विनिवेश यहाँ पर किया जाएगा, राइट? यस, घाटे में जा रही थी, बिल्कुल। सो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हम बात करें तो 1958 में इस्टैब्लिश किया गया था, और क्योंकि हैंडलूम से संबंधित है तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत थी ये PSU? ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत थी। और जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के एक्सपोर्ट के लिए जिम्मेदार थी। जो खादी प्रोडक्ट्स होते हैं विलेज इंडस्ट्रीज के, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडलूम होते हैं, उनका यहाँ पर निर्यात के लिए ये जिम्मेदार थी। क्लियर सभी को? चलिए, हाँ बिल्कुल, ऐसी कंपनी को बंद कर देती है सरकार। जैसे कि आपको HMT भी याद आ रहा होगा, HMT की पहले घड़ी आती थी, है ना, लेकिन कुछ समय पहले ही HMT को भी बंद कर दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि वो लॉस में जा रही थी और कुछ वहाँ पे जो है उसको रिवाइव नहीं कर सकते थे, तो उसको वहाँ पर बंद कर दिया था, राइट? चलिए, ओके। विक्रांत कह रहे हैं नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। राइट राइट, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ विक्रांत, राइट। चलिए, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव द क्लोजर ऑफ विच सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हाल ही में कैबिनेट ने - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम को बंद करने की मंजूरी दी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यस राहुल करेक्ट आंसर है, अभिषेक राइट करेक्ट आंसर है, विक्रांत करिश्मा राइट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इंडियन आर्मी ने दो बहुत ही समय से यहाँ पर जो आर्टिलरी सिस्टम थी, जो तोपखाना प्रणाली थी, उनको सेवा से मुक्त कर दिया है। और ये कौन कौन सी थी जिनको डीकमीशन किया गया है? एक तो है 130 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापल्ट गन्स हैं, ठीक है, और दूसरी है यहाँ पे 160 mm की जो है तंपेला मोटर्स, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर जो आर्टिलरी सिस्टम है इनको यहाँ पर डीकमीशन कर दिया गया है, बहुत समय से ये जो इंडियन आर्मी में कमीशन थी। सो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे जा रेंजेस में ये आपकी कमीशन थी, वहाँ से इनको डीकमीशन कर दिया गया है। तो ये जो पहली वाली है इसमें 130 mm की कैटापुल्ट, जो ये सेल्फ प्रोपेल्ड कैटापुल्ट गन है, ये यहाँ पर दो जो एग्जिस्टिंग जो आपकी विजय टैंक है और जो 130 mm 46 गन है उनका ये एक मर्जर था, ठीक है। और इसकी रेंज 27 किलोमीटर से भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो देखिए कितनी अच्छी रेंज थी इसकी 130 mm वाली कैटापुल्ट गन की, और भारतीय जो सेना है इसमें इसको 1981 में शामिल किया गया था, कमीशन इसमें किया गया था। सो 160 mm तंपेला मोटर्स की हम बात करें तो इसकी रेंज 9.6 किलोमीटर थी, और जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 का, उसके बाद जो है ये इंडियन आर्मी में इसको इंक्लूड किया गया था तंपेला मोटर्स को। और फिर कारगिल के युद्ध में जो हमारी विजय हुई थी, कारगिल विजय, सो उसमें इसने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था तंपेला मोटर्स ने। सो ये इसको डिप्लॉय किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास इन द लीपा वैली एंड हाजीपुर, हाजीपीर बाउल में, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे डिकमीशन कर दिया गया है, सभी को समझ में आया? चलिए, सो क्वेश्चन का आंसर बताइए, इंडियन आर्मी ने अभी 160 mm की तंपेला मोटर को डिकमीशन किया है, इसके बारे में क्या सही है? इसकी रेंज 9.6 किलोमीटर की है और कारगिल युद्ध के बाद इसको इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। तो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ दी अबव, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, दैट इज वन ओनली। सो यहाँ पर तंपेला मोटर्स जो है 9.6 किलोमीटर रेंज तो है, लेकिन इसको कारगिल युद्ध के बाद नहीं, इसको 1962 का जो यहाँ पर इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसके बाद इसको शामिल किया गया था, राइट? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है विक्रांत, राजीव राइट, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए, सदानंद गौड़ा जो अभी मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर 11th एडिशन जो है इंडिया केम 2021 इसको लॉन्च किया है। सो ये जो इंडिया केम 2021 है, ये पेट्रोकेमिकल और जो केमिकल सेक्टर है उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट्स है एशिया पैसिफिक रीजन का,
ये 17 से 19 मार्च के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? नई दिल्ली में। तो प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इंडिया कैंप 2021 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था 17 से 19 मार्च के बीच में। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स और फिक्की। फिक्की काफ़ी चर्चा में है आजकल। तो फेडरेशन ऑफ यहाँ पर इंडियन जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, सो ये फिक्की जो है इसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स भी इसमें शामिल है। थीम क्या है इसकी? इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे, ये इसकी थीम है। ठीक है, तो याद रखिएगा 11th एडिशन है इस बार इंडिया कैंप 2021 का। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर हैं चाहे वो बड़े स्तर पर हैं, बड़े पैमाने पर हैं, उनमें जो यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, केमिकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, ये इसका मेन पर्पस है। अब यहाँ पर इस कैंप 2021 के साथ साथ यहाँ पर कुछ बायलेटरल इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ताकि जो केमिकल सेक्टर है इसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो इंडिया और जापान का केमिकल पेट्रोकेमिकल फोरम होगा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल फोरम होगा, और इंडिया और यूएस का केमिकल और पेट्रोकेमिकल फोरम होगा। ये तीन अलग यहाँ पर बायलेटरल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ताकि हमारा जो केमिकल क्षेत्र है उसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। सो भारत में केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स है इंडियन इकोनॉमी का, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो भारत की जो केमिकल इंडस्ट्री है वो छठे नंबर पर आती है और एशिया में तीसरे नंबर पर आती है, और करीब करीब यहाँ पर 7% जो है ये भारत के GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करती है केमिकल इंडस्ट्री, भारत की रासायनिक उद्योग। क्लियर सभी को? सो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताइए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो सदानंद गौड़ा हैं, इन्होंने कौन से एडिशन को इनॉग्रेट किया है इंडिया कैम के? 12th, 11th, 14th एंड 16th। जल्दी से बताइए, सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर। गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 11th एडिशन, 11वां संस्करण है यहाँ पर इंडिया कैम 2021 का। यस विक्रांत, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने एक एग्जीबिशन इनॉग्रेट की, इसको नाम दिया गया माई ओन 2021, और ये जो एग्जीबिशन है इसमें क्या किया जाएगा? जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लोकल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो इम्फाल में, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, तो मणिपुर में जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के, उनके लिए एग्जीबिशन लगाई गई है, और इसको आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर कौन है अभी मणिपुर के? एन बीरेन सिंह हैं। इन्होंने कहा है कि भैया एक ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि आप एक रिपोर्ट तैयार करिए कि जो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग टाइप के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट आप बनाइए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक रिपोर्ट ये भी बनाइए कि हमारे स्टेट में कौन से ऐसे लोकल प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है, ताकि उनको और ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पे दिया जा सके, उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। सो मणिपुर क्या है? एक आपका स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और ये अपना बॉर्डर देखिए, मणिपुर की हम लोकेशन यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे मैप में बना के। सो मणिपुर के देखिए नॉर्थ में अगर हम बात करें तो इधर नागालैंड स्थित है, ठीक है, साउथ में इसके कौन है? मिजोरम है। इसके वेस्ट में कौन है? असम है। और इसके ईस्ट में कौन सी कंट्री है? म्यांमार है। तो ये इस तरह से अपना बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इधर जो है यहाँ पर वेस्ट में असम है, और यहाँ पे ईस्ट में म्यांमार लोकेटेड है। कैपिटल इसकी इम्फाल है। गवर्नर कौन है यहाँ पे? नजमा हेपतुल्ला है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह है। मणिपुरी, मणिपुर का जो डांस है मणिपुरी, जो 8 क्लासिकल डांस है उनमें से ये एक है, ठीक है। और इसके अलावा न्यूपा, पुंग चोलाम, ढोल चोलाम, ये कुछ फेमस डांसर्स हैं मणिपुर के, ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, इसके अलावा जो आपकी लोकतक लेक है, बताइए लोकतक लेक कहाँ पर लोकेटेड है? सभी लोग बताइए, लोकतक लेक,
लोकतक लेक से कुछ याद आ रहा होगा आपको, लोकतक लेक कहाँ पर लोकेटेड है जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग बताइए। सो लोकतक कहाँ पर है, ये भी आपकी मणिपुर में है, ठीक है। और एक अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है आपका, वर्ल्ड का ओनली जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, ये मणिपुर में है, लोकतक लेक पर लोकेटेड है, केबुल लामजाओ इसका नाम है। ये जो लोकतक लेक है ये अपनी फ्लोटिंग फुमदीज के लिए जाना जाता है, फ्लोटिंग फुमदीज, ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है, क्लियर सभी को लोकतक लेक के बारे में। यस बिल्कुल, यस वेरी गुड विक्रांत, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है विक्रांत, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, माई ओन 2021 एग्जीबिशन इज बींग ऑर्गेनाइज इन द स्टेट ऑफ डैश, माई ओन 2021 प्रदर्शनी डैश राज्य में आयोजित की जा रही है, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। यस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है, यस विक्रांत, राहुल, करिश्मा, अनुराग अरोरा, राइट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ये झांसी में ऑर्गेनाइज किया गया था, गुड़ महोत्सव ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया था, और काला नमक चाल फेस्टिवल ये सिद्धार्थनगर में यूपी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मांडू फेस्टिवल है, मांडू फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, मांडू फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था जल्दी से कमेंट करके बताइए, मांडू फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा मांडू फेस्टिवल के अलावा जो खाजुराहो जो डांस फेस्टिवल है, खाजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। हेराथ करके जो यहाँ पर आपका फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं ये मनाते हैं इसको, महाशिवरात्रि जो हम इधर सेलिब्रेट करते हैं यूपी वाले रीजन में, यूपी, हरियाणा, दिल्ली में, सो वहाँ पर उसको कहते हैं हेराथ, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है सभी को, ये याद रहेंगे सभी को फेस्टिवल्स, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये वर्ल्ड का फोर्थ बिगेस्ट रिजर्व बन चुका है, और यहाँ पे भारत ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। तो 5 मार्च को इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स हैं ये कितनी हो गई, 580.3 बिलियन डॉलर्स ये हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास है, चाइना के पास है, इसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड के पास है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं, जो कोई भी सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, तो RBI के पास फॉरेन करेंसी के फॉर्म में क्या क्या एसेट्स हैं, मतलब कितने फॉरेन करेंसी है, कितनी है यहाँ पर, तो ये एसेट होती है एक पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक की। इसमें फॉरेन करेंसी देखिए क्या क्या इसमें आता है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में केवल फॉरेन करेंसी नहीं होती, इसमें आपका बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सभी शामिल होती हैं। अब फॉरेन करेंसी कौन कौन सी है यहाँ पर मेजर आपकी जो प्रचलित हैं, जो रखी जाती हैं ज़्यादातर, जापान का आपका येन है, मेनली US डॉलर है, फिर यहाँ पर यूरो है, फिर चाइना का जो रेनमिन भी है, ये सभी कुछ मेजर यहाँ पर आपकी करेंसीज हैं जो काफ़ी प्रचलित है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर डॉलर्स जो है रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रैंकिंग की हम बात करें तो अभी रैंक चाइना की नंबर 1 है, फिर जापान की रैंक है, फिर स्विट्जरलैंड है और फिर इंडिया है। पहले रशिया चौथे नंबर पे था लेकिन अभी इंडिया चौथे नंबर पर आ चुका है। क्लियर सभी को, चाइना है, फिर जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है और फिर भारत है, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच कंट्री हैज सरपास रशिया टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व होल्डर, तो किस देश ने रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बन गया है, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया एंड USA, जल्दी से बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग यहां पर कमेंट करिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया, भारत. राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है विक्रांत, राहुल, तनिषा. राइट, नेक्स्ट देखिए, रेनाउंड गोवा बेस्ड आर्टिस्ट लक्ष्मण पाई, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, 95 वर्ष के थे, बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई. और ये बहुत ही फेमस पेंटर हैं, गोवा के आर्टिस्ट और पेंटर. इनकी जो पेंटिंग सीरीज है म्यूजिकल मूड्स, 1965 में इन्होंने बनाई थी. ये इंडियन क्लासिकल रागास जो हैं, भारतीय शास्त्रीय रागों से ये इंस्पायर्ड है, तभी उसको नाम दिया गया म्यूजिकल मूड्स. ठीक है, सो ही वॉज ऑनर्ड विथ सेवरल अवार्ड सच एज पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू अवार्ड एंड ललित कला अकेडमी अवार्ड्स. बहुत सारे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था. राइट, ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताइए. नेम द रिनाउंड आर्टिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95. हिज पेंटिंग सीरीज म्यूजिकल मूड्स वॉज इंस्पायर्ड बाई इंडियन क्लासिकल रागास. प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनकी पेंटिंग श्रृंखला म्यूजिकल मूड्स भारतीय शास्त्रीय रागों से प्रेरित थी. सौमित्र चैटर्जी, लक्ष्मण, पंडारीनाथ पाई, जसवंत सिंह एंड अहमद पटेल. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, बिल्कुल, सबको जाना है गोवा, लेकिन हाँ, जॉब लेके जाइए बिल्कुल यहाँ पर. ठीक है, एग्जाम की तैयारी करिए. इस बार काफ़ी आपके जो है वैकेंसीज निकली हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, तो देर आर चांसेस, मेहनत करिए, बिल्कुल यहाँ पर आपका होगा. यस, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल, लक्ष्मण पाई. राइट, यस, नागराजन, करिश्मा, तनिषा, विक्रांत, राहुल, सबका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड. सो गाइज, यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स हैं हमने कवर कर लिए हैं. और थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. अब रात की जो क्लास होगी उसमें तो हम स्टैटिक जीके में कवर कर रहे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 पर हम आगे बढ़ेंगे, और सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे उस दौरान में उनको डिस्कस करेंगे. मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फेज पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे. इसके अलावा अभी आपकी 12 बजे जो क्लास होगी हिंदी की, सामान्य हिंदी की, सो उसको भी आप अटेंड करिएगा. इसके अलावा 9 बजे से आपकी अभी क्लास होगी द हिंदू की, उसको भी अटेंड करिएगा. सो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए. ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम लोग. थैंक यू सो मच.